सारे कलेशिया को जय मसीह की। मेरा नाम किशन भट्ट है, मैं बदरपुर दिल्ली से आता हूँ। मैं आज प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के पे विश्वास के लिए बहुत बड़ी गवाही देना चाहता हूँ। मेरा एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल बड़ा हुआ था, वो 28 नवंबर की बात है। तो मैं सुबह जब 4:30 बजे उठ जाता, 4:30-5 बजे के बीच में रोज़ उठ जाता हूँ और प्रभु की प्रेयर एयर जो भी अपना रूटीन करता हूँ। तो उस दिन उठा, जब तो 28 जनवरी को, तो मेरे को अपना हिल रहा था, यूँ करके हिलने जैसे लग गया था। तो मैंने सोचा अभी उठाऊँ, शायद मेरे को कोई हो रहा होगा, तो नींद के कारण हो रहा होगा। बट 8:30 बजे तक मैं ड्यूटी के लिए जब तैयार हुआ, तब भी सेम कंडीशन रही। तो एक तुरंत डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने मेरे को ब्लड प्रेशर नापा, बीपी नापा, तो इट इज़ 180, वो टोटल 180 आया। तो उन्होंने कहा इतने टू मच, तो इसके लिए आप वो करो, क्या कहते, फटाफट दवाई दी, उनका रेस्ट करो, दिया नो नीड टू गो ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, और रेस्ट करो। तो उन्होंने दवाई दी, शाम तक मेरा बीपी कम हो गया था, 140-145 तक आ गया था। बट उन्होंने कहा एक काम करो कि कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ। मैंने उनसे पूछा था व्हाट मे बी द रीज़न जिसके कारण ये इतना एकदम से बढ़ गया। मैं 50 क्रॉस हूँ लगभग, और मेरे को आज तक लाइफ में मेरे को अपना ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड ग्रुप भी पता नहीं है। तो बाद में फिर वो कहा, तो उनका अचानक क्यों बढ़ गया बीपी करके, उन्होंने मेरे को ये बताया कि तुम कोलेस्ट्रॉल चेक करा लो। तो डॉक्टर साहब ने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट लिखा, और कोलेस्ट्रॉल का रिजल्ट आया था मेरा 28 नवंबर की शाम को, उन्होंने रिजल्ट मेरे को पकड़ा दिया उसी टाइम। तो वो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ 532 था। तो उन्होंने मेरे को रूटीन जैसे डॉक्टर नॉर्मली करते हैं, उन्होंने दवाई दी मेरे को, 1 महीने तक मैंने पूरी दवाई खाई। दवाई खाने के बाद जब 1 महीने के बाद मैंने दोबारा चेक कराया, ये वो डेट थी 5 जनवरी, 5 जनवरी को टेस्ट कराया जब, तो वो 720 आ गया। तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला कि रिस्क मत लो, तो किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल अपोलो में या होली फैमिली में, जैसे कि हॉस्पिटल में चेक, ECG इत्यादि चेक करा लो, जिससे कि आगे को बढ़े नहीं खतरा। 9 जनवरी की बात थी, 9 जनवरी को संडे पड़ रहा था। मेरे कलीग हैं रानी शर्मा जी, वही मेरे इस कलेशिया में कहो या प्रभु जीजस में कहो, इनमें लाए हुए, उनके द्वारा ही मैं इसमें आया हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कि 9 जनवरी को आप यहाँ, पिछले 2-3 संडे से भी वो बोल रहे थे मेरे को कि जो अंकुर नरुला जी का पंजाब में चर्च है, उनके ही सेम स्पिरिचुअल सन यहाँ फरीदाबाद में है। हमें बड़ी खुशी हुई, हम प्रभु का बड़ा शुक्र गुजार हूँ कि प्रभु ने हमको ऐसे में, मतलब पंजाब जाने से, मतलब जाते थे बार बार, वैसे जस्ट लाइक द सेम चर्च हमें फरीदाबाद में हमारे घर के नज़दीक दी है करके। तो जब पास्टर जी आए प्रोफेसी करने के लिए, और प्रोफेसी में उन्होंने पहली लाइन 2022 की ब्लेसिंग के लिए दी, सेकंड लाइन में ही उन्होंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया। मैंने पास्टर जी को उसके बारे में मिला ही नहीं था, मेरे पास्टर जी को कोई बात ही नहीं बताई थी कि मैं ऐसा प्रॉब्लम है मेरे को कुछ है करके। और मेरे को इसका डर भी नहीं था कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, पता नहीं प्रभु भाई, मतलब हमने अपना सब कुछ समर्पित प्रभु को कर दिया है। तो फिर उसके बाद तो हमें उसके वैसे विश्वास इतना बड़ा था मेरे को कि मैं कुछ भी नहीं। लेकिन बाद में फिर ठीक है, प्रोफेसी को मैंने ग्रहण किया था। आपके शरीर नए होते हुए मैं देख रहा हूँ, आपकी हड्डियों में जान आते हुए मैं देख रहा हूँ, आपकी ब्लड जो जिसका ब्लड थिक है, अगर आपकी आपकी आयरन कंटेंट ज्यादा है और आपकी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इस कारण आपकी ब्लड बहुत थिक है, इस टाइम उसको नॉर्मल होते हुए मैं देख रहा हूँ, क्योंकि नया करते हुए मैं देख रहा हूँ आपके शरीर को नया होते हुए। 5 फरवरी को जब दोबारा टेस्ट कराया, इट कम डाउन 197, 200 लेबल होता है, उसे भी नीचे कर दिया प्रभु ने। मैं इस सब महिमा को, इस पूरी उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का बड़ा शुक्र गुजार हूँ, बड़ा धन्यवाद देता हूँ जय मसीह की, इसके लिए मैं सारी कलीसिया को, और जय प्रभु का बड़ा शुक्र गुजार हूँ, धन्यवाद, थैंक्स।